नमस्कार। फिटनेस योगा में आज आपका फिर से स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए वीडियो बनाते हैं। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। आप किसी भी विषय पर स्वास्थ्य संबंधी वीडियो चाहते हैं तो हम उस पर बनाने का प्रयास करेंगे। एक मेरे साधक का फोन आया और उसने कहा, गुरुजी आज सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं थायराइड से मोटापा, थायराइड से पतलापन, और थायराइड की तो दवाई ऐसी कि सारी उम्र चलती है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इससे पीछे छुड़ाया जा सकता है? तो मैंने स्वीकार किया और आज उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल थायराइड क्योर हो सकता है, कोई सारी उम्र दवा लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ योग की क्रियाएं, कुछ खान पान और कुछ आयुर्वेद होम्योपैथ जो भी देसी दवाई है उनकी शरण में जाना होगा, आप ठीक हो सकते हैं। तो थायराइड के लिए आइए तो थायराइड की बात करते हैं। थायराइड एक यहाँ गले में ग्रंथि होती है जो हमारे सिस्टम को ठीक रखती है। उसके ठीक न होने पर मोटापा व पतलापन रोग हो जाता है, थकावट रहती है, सारा दिन कुछ काम करने को मन नहीं करता। तो थायराइड के लिए कुछ योग प्राणायाम एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप कर अपने को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं, अपने परिवार को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। सबसे पहला, आप कपाल भाती करें, खाली पेट करें। कपाल भाती श्वास को बाहर छोड़ना, 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, 5 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें। और कपाल भाती के बाद में उज्जयी प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये गले की जो हमारी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, उस पर सीधा असर करता है। तो गले को सिकोड़ करके, गले में खड्डा पड़ेगा, ऊपर खींचना है। देख लीजिए मेरे को, दस से बीस बार टुकड़ों में करें और उसके बाद इसको लंबा खींचे। लंबा खींच करके श्वास को रोकना है। अगर हाई बीपी है तो श्वास को ज़्यादा ना रोकें, और जब दम घुटे दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास को छोड़ दें। चलिए करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल आपको। बाएं नाक से श्वास को छोड़ देना और गले की मालिश। ये थे प्राणायाम। अब कुछ आसन कर सकते हैं, जैसे सिंहासन। सिंहासन में जीभ को बाहर निकाल करके, जीभ को बाहर निकालेंगे पूरा, पांच से दस बार सिंहासन करें। ये भी थायराइड के लिए बहुत बढ़िया। हलासन कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं, दोनों पैर को उठा करके
कमर को उठा करके ऊपर कर सकते हैं सर्वांग आसन। नहीं समझ में आता है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं या किसी अच्छे योग शिक्षक से पूछ करके, क्योंकि आजकल सभी करने लगे कि मुझे सब कुछ आता है, ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं। अच्छे योग शिक्षक से आप सीख करके कर सकते हैं। थायराइड के लिए ग्रीवाचालन, ये देखिए, ये करना, श्वास को भरना, छोड़ना, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और बड़ा सा शून्य बनाते हुए विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक, ये कर सकते हैं। आप अपनी थायराइड से पीछा छुटा सकते हैं। थायराइड के लिए एक स्पेशल नुस्खा मैं आपको बता देता हूं। तो थायराइड के नुस्खे के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, आंवला 50 ग्राम और 50 ग्राम अलसी। इनको अलग अलग, अलसी को थोड़ा हल्का सा भून लें, ज़्यादा ना भूनें नहीं तो कड़वी हो जाती है। इनको चारों को अलग अलग पीस करके मिक्स कर लें। आधा चम्मच सुबह शाम पानी से ले सकते हैं, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। और अपनी दिनचर्या को, फास्ट फूड को अवॉइड करें, थायराइड बिल्कुल ठीक होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको थकावट नहीं रहेगी। तो ये था आज का टॉपिक, थायराइड कैसे क्योर करें। अगर आपको हमारा चैनल या हमारी कोई दी हुई जानकारी से लाभ मिलता है तो कृपया हमें अवगत जरूर कराएं। थायराइड के लिए ये पॉइंट दबा लें दोनों हथेलियों के, इसको दबाते रहें तो भी थायराइड ठीक होता है। अगर हमारी वीडियो से, हमारी बातों से अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं, फ़ोन पे बता सकते हैं, आप कोई कैंप भी हमारा लगवा सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर आपको बता देता हूं, किसी भी तरह की जानकारी आप लेना चाहें तो प्रातः 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आप ले सकते हैं, 9992934708। हम एक्यूप्रेशर, योग और कुछ नुस्खे घरेलू, आयुर्वेद, होम्योपैथ आपको बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपका लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।